सुदामा जी से पूछते, मित्र तुम्हारे तुम्हारा विवाह भी हुआ था? बोले हाँ भैया, ब्याह तो भयो। बोले तो फिर मेरी भाभी भी होगी? बोले हाँ भैया, तेरी भाभी है। तो मेरी भाभी है तो उसने मेरे लिए कुछ भेजा भी होगा। सोई सुनी बात महाराज कुछ देवे लेवे की। सुदामा जी ने सोचा इतना बड़ा राजा है, पता नहीं सुशीला ने क्या रखा हो पोटली में, इतना बड़ा राजा और उसके सामने क्या दूंगा। लोग हंसी करेंगे, जो भी सम्मान कर रहे हैं वो तुरंत मुझे गलत दृष्टि से देखेंगे, क्या लेकर आया है बताओ, चावल कोई खाने की चीज है? लेकिन ठाकुर ने देखा तो कहा, सुदामा क्या भेजा मेरी भाभी ने? सुदामा जी मना करने लगे, नहीं भैया कुछ नहीं भेजा। ठाकुर जी ने कहने लगे कि जरूर भेजा होगा, तेरी ये बगल है ना, ये बाजू उठी हुई दिख रही है, क्या है इसके अंदर बता। सुदामा जी छुपा रहे थे, ठाकुर जी ने खींच ली, आज खोली, पूरा पूरा द्वारिका देख रहा है क्या निकलेगा, क्या निकलेगा इसमें से। ठाकुर जी ने खोला तो केवल छानन थी, छानन जानते, धान के केवल छिलके थे, कोई अन्न नहीं था उनमें। प्रभु ने देखा तो रो पड़े सुदामा की दयनीय स्थिति पर, जिसको कोई नहीं खाता उसको भी खाने की सामर्थ्य द्वारिकाधीश में। महाराज आप लोग तो छिलका खाएं, आप तो केवल गिरी खाएंगे, ठाकुर जी तो छिलका चबा कर भी बड़ा आनंद महसूस करते हैं। ऐसा भाव भक्त वशल कौन होगा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र दे पुष्प दे या कुछ भी ना दे, भावी दे दे उसमें ही खुश। उठाई और वो मुंह में भर ली एक मुट्ठी, मेरी एक लोक की संपत्ति सुदामा की। सोचा ये कम है उसके ऋण के आगे। दूसरी मुट्ठी उठाई, मेरी सारी संपत्ति सुदामा की। सोचा अभी भी कम है। तीसरी मुट्ठी उठाई, लक्ष्मी को देने वाले थे, रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु सब कुछ दे दीजिए, कंगाल बन जाइए, लेकिन धर्म पत्नी को मत दीजिए, मैं तो आप ही के चरणों की दासी हूं, आप मुझे क्यों भेज रहे हैं, मुझे क्यों भेज रहे हैं वहां। चलना है तो मुझे अकेले में, मेरा वहां स्वागत नहीं है, मेरी खुशी ये है कि आप भी साथ चलें। अगर सुदामा के यहाँ चलना है, मुझे भेजना है, तो साथ में आप भी चलें। सुदामा जी के लिए आज नारायण कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं रुक्मणी से कि देवी अगर हम भी आके दास दासी बन जाएं तो भी आपको ऋण नहीं उतार सकते, इसने इतना कुछ हमें दिया है, जिसके सामने ये सारी संपत्ति फीकी है। अब ब्राह्मण को इतना कुछ मिल गया था लेकिन उन्हें खुद को पता नहीं चला उन्हें क्या मिला। देनो हुतो सो दे दियो विप्र न जानी बात, सुदामा जी को पता नहीं है ये उन्हें क्या मिला। यहां पर आज सुदामा जी कहते हैं, लाला मुझे जानो चाहिए, तेरा दर्शन हो गया, मैं बड़ा खुश हो गया तुझे देखकर, तूने मेरा इतना सुंदर सत्कार किया, उसे मैं भुला नहीं सकता, मुझे आज्ञा दे। ठाकुर जी ने आज्ञा दी, सुदामा जी अपने धाम लौटे, गुजरात पोरबंदर में तो देखा, वहाँ तो बड़ा अभाव गांव था, वहाँ तो बहुत बड़ी पुरी बन गई है, बड़े बड़े शब्दों में लिखा है सुदामा पुरी। अब तो सुदामा जी चक्कर में आ गए, ये क्या हुआ, बाकी दरवाजे गए, हमारे बाल बच्चों छूट गए, एक झोपड़ी भी थी जहाँ मेरी पत्नी बच्चों रहते थे, वो पता नहीं कहाँ चले गए। सबसे पूछ रहे भैया ये किस राजा की नगरी यहाँ बस गई, कुछ दिन के अंदर ही मेरा तो घर ही चला गया, मेरी पत्नी बच्चे यहाँ थे, कहाँ उठा के फेंक दिया। तभी सुशीला महल की अटारियों से देख रही थी, वो कोई साधारण ब्राह्मणी नहीं रही, महारानी बन गई थी। वो आती है, चरण छूती है, स्वामी मैं आपकी धर्म पत्नी। सुदामा जी एकदम हक्के बक्के, अरे तू ये कैसे हुआ? बोले द्वारिकाधीश ने दिया, आपके जाते ही यहाँ सब बदल गया। कहा अरे देवी तेरे मन में तो भूख थी धन की, तैने मेरी सब भक्ति खराब कर दी, अब ये सुख संपत्ति मुझे नहीं चाहिए, तेरी इच्छा थी तुम बच्चों के साथ यहाँ सुखी रहो, मैं तो मेरे ठाकुर का भजन वन में जाकर करूँगा, मुझे ये नहीं चाहिए, ये माया मुझे लग जाएगी, मैं हरि का नाम विसरा दूंगा, मुझे नहीं चाहिए। और छोड़ कर जाने लगे तो पत्नी बच्चे भी पीछे हो लिए, जब आप नहीं इसका भोग करेंगे तो हम क्या करेंगे, हमारा सुख तो आप में है। जब
पूरा परिवार वन की ओर जाने लगा, धन का त्याग करके, महलों का त्याग करके। तो द्वारिकाधीश दरवाजे से आवाज लगाते, ओ सुदामा कहाँ जा रहा है, हम तो यहीं पर हैं, किस वन में खोजने जा रहा है हमें। सुदामा ने देखा, दौड़े प्रभु, ये माया हमें लग गई तो फिर आपका नाम भुला देगी। प्रभु ने कहा, ये मेरा प्रसाद है, जब मैं किसी को प्रसाद देता हूँ उससे मेरी माया नहीं लगती, इसलिए मेरा प्रसाद समझकर भोग करो, तुम्हें मेरी माया नहीं लगेगी। तो वही सुदामा फिर बहुत बड़े महाराजा बने, 36,000 वर्ष तक राज्य करके फिर भगवत धाम की प्राप्ति की है।